केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार कर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की समीक्षा। नितिन गडकरी ने की प्रेस वार्ता, कहा मैं फोकट क्लास का समर्थक नहीं। चित्रकूट में आफत बनी बारिश, लगातार बारिश के चलते ढही कच्चे मकान की दीवार, मलबे में दबने से हुई 3 लोगों की मौत। सीतापुर में पुलिस को चकमा देकर बदमाश हुए फरार, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप, पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। बिजनौर में बढ़ रहा महिलाओं के खिलाफ अपराध, महिला ने 3 लोगों पर लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लगातार समीक्षा करने में लगे हुए हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर जमीनी हालातों का जायजा भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में वो हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का दौरा कर चुके हैं और लगातार मीडिया के माध्यम से समीक्षा की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को राजस्थान के दौसा में आयोजित नितिन गडकरी की प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने उन्हें एक ऐसा सवाल पूछा कि उसका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल पूछा गया था कि सड़कों को पत्रकारों के लिए टोल फ्री करने की मांग क्या हो सकती है, जिस पर नितिन गडकरी ने बड़े शालीन लहजे में न सिर्फ मना कर दिया बल्कि उसका कारण भी बताया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं फोकट क्लास का समर्थक नहीं हूं और ये धंधा अब बंद है। मंत्री ने साफ किया है कि अच्छी सड़क चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा में लगने वाला समय 24 घंटे से कम होकर करीब 12 घंटे रह जाएगा। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की न्यूनतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सड़क मंत्रालय इसे बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे करने पर लगातार विचार विमर्श कर रहा है और ये जो बयान है नितिन गडकरी का वो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसको जमकर शेयर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के चलते एक कच्चे मकान की दीवार ढह गई। वहीं दीवार ढहने से इस हादसे में मलबे में दबने से भाई बहन और मां सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पूरा मामला मऊ थाना क्षेत्र के करहरी गांव का है, जहां अजय सिंह नाम के व्यक्ति के घर की कच्ची दीवार ढहने से मलबे में दबकर उसकी पत्नी यशोदा और 2 बच्चे ऋषि और रिया की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतका यशोदा अपने दोनों बच्चों के साथ घर में खाना खा रही थी, तभी अचानक कच्चे मकान की दीवार गिरने से यह दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं हादसे की सूचना पर कई घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को मलबे से बाहर निकाला। मामले में प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिले के मऊ थाने में बारिश का कहर लगातार जारी है, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं और कितने प्रभावित हैं ये आप चित्रकूट की खबर से पता कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर बाढ़ बारिश की वजह से 8 लोगों की जान चली गई है। भारी बारिश की वजह से जहां एक तरफ नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि जो गरीब हैं, जिनके आशियाने, जिनके कच्चे मकान हैं, वो ढह रहे हैं बारिश की वजह से, जिसमें मलबे में दबने से फिलहाल 3 लोगों की जान चल गई, जिसमें 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। देखिए इस समय तो क्योंकि ये बरसात जो हो रही है, इसकी वजह से कुछ एक हुए हैं घटनाएं। आज ये संज्ञान में आया तो हम लोग आए हैं अभी देखने के लिए। कच्ची मिट्टी की दीवार थी जहाँ पे अजय सिंह का परिवार था, तो उनकी पत्नी और 2 बच्चे दीवार भरभरा के गिर गई। 4 बजे की घटना है और सभी जो आसपास के लोग हैं उन्होंने जाके तुरंत रेस्क्यू किया और बच्चों को, सबको, महिला को बाहर निकाला, लेकिन लेके गए थे। एक बच्चा सांस कुछ ले रहा था लेकिन बता रहे थे कि वहाँ रास्ते में उसका भी सांस रुक गया। तो अब है, बड़ी दुखद घटना है और इसमें जो अनुमन्य सहायता जो आपने पूछा है, हमारा ये अनुग्रह राशि जो इनके वारिस होते हैं, हम जाँच करके प्रति मृतक के हिसाब से इसमें शीघ्र ही 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर हम लोग गिरवा देंगे।
वहीं आगरा में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जिले में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बदमाशों ने काम से लौट रहे एक मजदूर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस और एसएसपी मुनिराज ने मौका मुआयना कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों के खिलाफ कोई सुराग हाथ लग सके। आगरा के थाना एतमदौला क्षेत्र के कालिंदी विहार के खुशी अस्पताल के सामने की पूरी घटना बताई जा रही है। आगरा में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ताजा मामला सामने आया जहां पर बदमाशों ने एक मजदूर को गोलियों से भून दिया और उसे लूट कर फरार हो गए हैं। दरअसल आगरा पुलिस लगातार ये कहती है कि हम सुशासन देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा हम बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो इन तस्वीरों से बयां हो ही जाती है। रोजाना आगरा से ऐसी तस्वीर आती है जहां पर लूटपाट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। ताज़ा मामले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भले ही पुलिस कितनी भी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन हकीकत यही है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इसी तरह से बदमाश लगातार एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं सीतापुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए, जहां थाना इमिलिया सुल्तानपुर में नए थानाध्यक्ष के थाने का चार्ज संभालते ही थाने में पुलिस कस्टडी से लूटकांड का आरोपी फरार हो गया। पूरा मामला थाना इमिलिया सुल्तानपुर का है जहां थाने की पुलिस दारोगा जी की बर्थडे पार्टी के जश्न में डूबी हुई थी। इसी दौरान दूसरी ओर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को कस्टडी में थाने ले आई है, जिसके बाद एक आरोपी थाने से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं आरोपी के फरार होने की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष समेत पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले में थाना अध्यक्ष ने बात को दबाने की काफी कोशिश की और सबके सामने लेकिन फिर भी बात आ गई, जिसने पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करना शुरू कर दिया है कि बर्थडे पार्टी के जश्न में पुलिस इतनी डूबी थी कि ये पूरी घटना यहां पर घट गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इतना ही नहीं, यहां पर पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर बर्थडे पार्टी चल रही थी और जो चोर हैं, जो बदमाश हैं, वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। दरअसल यहां पर पुलिस दो बदमाशों को पकड़कर लेकर आई थी, उन्हें कस्टडी में रखा हुआ था, लेकिन बर्थडे पार्टी यहां सेलिब्रेशन में पुलिसकर्मी इतने ज्यादा मग्न हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दूसरा जो आरोपी है वो कब फरार हो जाता है। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक आरोपी का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस, जहां पर ये कहा जाता है कि ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। रात में पुलिस गश्त करती है, बदमाशों पर लगातार रोक लगाई जा रही है, बदमाशों के आतंक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है तो इस खबर से पता चल ही रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शिवराज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीतापुर से। शिवराज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या आरोपी का पता लगा पाई है पुलिस जो चकमा देकर फरार हुआ था? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। ये पूरा मामला थाना इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे देखिए जो आरोपी था वो थाने हवाला से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। और पुलिस, अब जो बात की जाए तो पुलिस वहाँ पे थाने में एक दरोगा जी की बर्थडे पार्टी मना रही थी, उसी को देख, मतलब वो जहाँ पे सभी लोग बर्थडे पार्टी में व्यस्त थे उसी समय मौके से फरार हो गया। और 24 घंटे से अधिक हो चुका, अभी तक आरोपी का कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन यहाँ पर शिवराज ये सवाल है कि यहाँ पर थाने के अंदर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो बदमाश वहाँ पर पकड़ कर लाए गए हैं वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहती है कि हमारा जो खौफ है वो बदमाशों के अंदर है, तो ये कौन सा खौफ है कि बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं? ये तो लापरवाही है सीधे सीधे पुलिस की। देखिए, जिस तरीके से बात की जाए कि अभी जो दो ही दिन पहले थाना अध्यक्ष ने यहाँ पे नए जो थाने अध्यक्ष आए थे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो साफ तौर पे देखा जाए कि जो बात कही जाए कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है।
और जिस तरीके से बदमाश फरार हुआ है और अभी तक कोई उसका सुराग नहीं लगा, तो पुलिस की कहीं ना कहीं जुगाड़ देखा जाए, लोगों में बातें उठ रही हैं कि छत बहुत ज्यादा धूमिल हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर शिवराज ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस वक्त ये बर्थडे सेलिब्रेट यहाँ पर हो रहा था, उस वक्त कितने पुलिसकर्मी थाने के अंदर थे? देखिए, उस समय पूरा थाने का स्टाफ जो था वो पूरे थाने में ही था, बर्थडे पार्टी मना रहा था। उसी समय जो आरोपी था वो पुलिस को चकमा देकर मौके से निकल गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सीतापुर का ही पूरा मामला है जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस महकमा बर्थडे मनाने में व्यस्त था और आरोपी इस बात का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जो आरोपी फरार हुआ है कुख्यात बदमाश है, कई लूट जैसी घटनाओं में वो संलिप्त था, काफी दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी, जैसे तैसे वो पुलिस के हत्थे चढ़ा लेकिन एक बार फिर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, ना ही इस पूरे मामले में कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार है। वहीं अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने बच्चे के साथ ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। वहीं बच्चे के साथ महिला के खुदकुशी करने की घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सेपियन स्कूल के मोड़ के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि महिला ने अपने बच्चे के साथ खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की, लेकिन फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर ये महिला कौन थी और उसके साथ ये मासूम बच्चा क्या महिला का ही बच्चा था या वो कोई और था या फिर खुदकुशी के लिए उसे उकसाने की कोशिश की गई थी, इसके पीछे क्या पहलू है उनको जानने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल महिला की और मासूम की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं अमेठी में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते गोमती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से निजामुद्दीनपुर, भंदौर, मुईद्दीनपुर सहित कई ग्राम सभाओं के तराई तट की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। बता दें कि इसमें धान, उड़द जैसी तमाम जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। तो अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये खेत कम नजर आ रहे हैं और ये नदी ज्यादा नजर आ रही है। आप देखिए, यहाँ पर फसल लहराती हुई नजर आती थी लेकिन अब सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। भारी बरसात की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों की जो खड़ी फसल थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। किसान परेशान हैं, लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि इस बार भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पे होने की वजह से नदी का जो पानी है वो अब खेतों में जा रहा है। तो वैसे ही लगातार हादसे हो रहे हैं, भारी बारिश की वजह से लोगों की जान जा रही है, लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ और ये दूसरा मुद्दा भी निकलकर सामने आया है जहां पर अब कई बीघा फसल जो है किसानों की वो बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। वहीं आगरा के थाना शमशाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मरहमपुर गांव में एक दंपति ने घर में एक कमरे में एक साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मामले में अभी खुदकुशी करने के कारण का कोई पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा का यह पूरा मामला जहां पर घर के कमरे में फांसी लगाकर एक दंपति ने खुदकुशी कर ली है, आखिर ये खुदकुशी क्यों की गई, इसके पीछे क्या वजह है ये साफ नहीं हो पाया है। कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है और ना ही परिजनों की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दंपति ने घर में फांसी के फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली और उसके बाद अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं बिजनौर में एक महिला ने कार सवार 3 लोगों पर चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता ने नगला सोती थाने में 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की बात कर रही है। बता दें कि दिल्ली की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि वो पिछले
कुछ दिन पहले अपने मुंह बोले भाई मोहसिन के साथ यहां शादी समारोह में आई थी, लेकिन यहां पर गांव सबलपुर बीतरा में वो रह रही थी। और कल दोपहर जब वो नगला सोती बस अड्डे पर खड़ी थी तो कार सवार कुछ लोग आए और महिला को बिजनौर बस अड्डे छोड़ने के नाम पर कार में बैठा लिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि कार में बैठने के बाद कार ड्राइवर सहित कुल 3 लोगों ने चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे घटनास्थल पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। वही मामले में मुकदमा ना लिखे जाने पर हिंदू जागरण मंच और बीजेपी के पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह नागला सोती थाने पहुंचे और घटना को लेकर पुलिस से बातचीत कर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार खबरें सामने आती रहती हैं। लगातार संस्थाएं ऐसी महिला सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन हकीकत क्या है वो सामने आ जाती है। बिजनौर में एक महिला जो कि दिल्ली की रहने वाली है, वो शादी समारोह में पहुंची हुई थी बिजनौर, लेकिन जब वो वापस लौट रही थी तभी बस अड्डे छोड़ने के बहाने कार सवार युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। ऐसा उसका आरोप है कि चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया गया। और जब वो थाने पहुंची इस मामले की शिकायत कराने के लिए तो उसकी शिकायत नहीं दर्ज की गई, जिसके बाद वहां कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और जैसे तैसे रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए योगी सरकार पुरजोर कोशिश करती है, दावे करती है, वादे करती है, लेकिन सवाल ये है कि इतने दावों इतने वादों के बाद भी 4.5 साल हो गए हैं, अब भी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो खत्म नहीं हुए हैं। खत्म मैं कहूँ तो गलत होगा, कम ही नहीं हुए हैं, खत्म तो बहुत दूर की बात है। बिजनौर का ये पूरा मामला है जहाँ पर एक महिला ने 3 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद उसका कहना है कि वो थाने गई थी रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन वहां पर उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए, कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे मामले को दर्ज कराया है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। तो बिजनौर का ही पूरा मामला जहां पर चाकू की नोक पर एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसा महिला का कहना है कि वो बस अड्डे जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी कार सवार युवक आए, चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। बलात्कार की कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत सही धाराओं में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। तो अभी तक सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर महिला अधिकारी आए और महिला अधिकारी जाके और जो पीड़ित महिला है उससे बात करे, उसकी पूरी बात समझे, रिकॉर्ड करे और यदि उसके चोट के निशान हैं तो निश्चित ही जवान बच्ची है तो उसे जल्दी से जल्दी वो चोट के निशान जो हैं वो दर्ज किए जाएं और डॉक्टर के द्वारा उनकी जांच की जाए। मुझे ये बोला कि कल को हम लौट के वापस आ जाएंगे, तो उनके घर वालों ने उन्हें रोक लिया था, तो मैं दिल्ली जाने के लिए आ गई थी। फिर मैं दिल्ली जा रही हूँ, उन्होंने बोला ठीक है। वो पहले मेरे को यही बोल रहा था कि मैं छोड़ के आऊँगा, बेटा के आऊँगा बस। मैंने बोला कि मैं फिर चली जाऊँगी, तो उसके बाद मैं वो खड़ी थी रिक्शे के फिलहाल में, रिक्शा नहीं आया, 10 से 15 मिनट हो गए थे मेरे को खड़े खड़े। तो सफेद रंग की एक कार आई थी, तो हमें 3 लोग थे उसमें, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने बोला कि मैं बिजनौर जाऊँगी, तो बोले हम भी इसी गाँव के, हम भी बिजनौर जा रहे हैं, आप बैठो, हम छोड़ देंगे आपको। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नईम अहमद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नईम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एक महिला जो कि दिल्ली की रहने वाली है, बिजनौर अपने भाई के साथ शादी समारोह में आती है, लेकिन वापस लौटते वक्त उसके साथ दुष्कर्म की घटना होती है और लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। नईम, मेरी आवाज मिल रही है? जी देखिए, यहाँ बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है। एक महिला ने गैंगरेप का 3 लोगों पर आरोप लगाया है। उसने बताया है पुलिस को कि वो दिल्ली से अपने एक मुंह बोले भाई के पर आई थी, जहाँ वो बस के इंतजार में खड़ी हुई थी, तो तभी एक कार सवार 3 लोग वहाँ आते हैं और उसे बिजनौर बस स्टैंड तक छोड़ने की बात कह के हुए उसे कार में ले जाते हैं। महिला का आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया है और इस बात को लेकर वो नांगल थाने गई,
जहां पर उसने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उसके बाद पूर्व सांसद कुंवर भारतेर सिंह वहां पहुंचते हैं, उन्होंने पुलिस से कहकर इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि यूपी पुलिस ये कह रही है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसे हम रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जब महिलाएं और इन घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने जाती हैं तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, क्यों, क्या वजह है? ये देखिए, पुलिस ने इस मामले में महिला की तहरीर ली थी और जांच कर कार्रवाई करने की उससे बात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई जब नहीं हुई तब वहां पर जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे और पुलिस पर कार्रवाई करने का उन्होंने जो है कहा वहां पर जाकर के, तब उसके बाद कार्रवाई हुई है और महिला की जो तहरीर है उस पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बिजनौर का ये पूरा मामला जहां पर चाकू की नोक पर महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ तीन लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, लेकिन सवाल ये है कि यूपी पुलिस ये कहती है कि हम अपराध में कमी ला रहे हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद होने से पहले ही हम उन्हें धराशाही कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हौसले देखिए कि चाकू की नोक पर महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं। और यहाँ पर पुलिस की लापरवाही देखिए कि तमाम यहाँ पर पहलू सामने आए हैं, महिला खुद गई है थाने रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं गोंडा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मृतक ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो भी बनाया जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग जमकर युवक को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि युवक ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें युवक ने गाँव के ही तीन लोगों पर परेशान करने और खुदकुशी के लिए उकसाने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला लड़की भगाने के मामले से जुड़ा हुआ है। मामले में पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कर्नलगंज के दूधी विजय राजपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमें नाजायज बताया जा रहा है, हम कुछ जानते नहीं है। इस मामला में लोकस ने फोन किया है और भोला रामशंकर ये लोग बहुत काफी दिन से ताड़ते थे, इसीलिए हम अपनी जान दे रहे हैं और हमारे घर वालों को न सताया जा रहा। वहीं बाराबंकी में 15 सितंबर की रात से लगातार हो रही बारिश के चलते जहां एक ओर पूरा जिला पानी में डूबता नजर आ रहा है, वहीं मसौली थाने के एसएचओ के कमरे सहित पूरा परिसर जलमग्न हो गया है। इतना ही नहीं, पानी के साथ साथ जहरीले सांप और बिच्छू भी थाने परिसर में घुस आए हैं जिसके चलते पूरे स्टाफ में दहशत का माहौल है। मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ पुलिसकर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मसौली थाना बाराबंकी बहराइच हाईवे पर सड़क से कई फीट नीचे बना हुआ है जिसके चलते बरसात के समय यहाँ हर साल पानी भर जाता है और ऐसी ही तस्वीरें हर साल सामने आती है, उसके बावजूद भी कुछ बदलाव नजर नहीं आता है। तो बाराबंकी की तस्वीरें जहां पर पूरा जिला जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है तो पानी के साथ साथ जहरीले सांप और बिच्छू थाने में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मथुरा के थाना गोवर्धन इलाके के सकरवा गांव में एक 16 साल के किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि 13 सितंबर को सुबह के समय नाबालिग गांव के पास हाईवे पर दौड़ लगाने गया था जहां एक अनियंत्रित बाइक ने नाबालिग को पीछे से टक्कर मार दी जिसके बाद नाबालिग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बहराइच के नगर कोतवाली में जिला अस्पताल में दिन दहाड़े चोर एक बाइक चुरा कर ले गए। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद आलिफ मटेरा चौराहे से जिला अस्पताल दवा लेने गए थे और इस दौरान उन्होंने बाइक अस्पताल के सामने खड़ी कर दी और अस्पताल के अंदर चले गए। वहीं जब वो वापस बाहर आए तो उनकी बाइक गायब थी। वहीं चोरी की पूरी वारदात पुलिस बूथ के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस पूरे मामले की जानकारी अब जुटाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की जा रही है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में चोर बाइक चुराकर अस्पताल से बाहर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।